अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शायान फ्रॉम वेलोसिटी हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड सेशन जो कि शोल्डर वर्कआउट है, जो कि बिगनर लेवल के लिए। और उसमें हम बताएंगे कि आप बिगनर लेवल में और लाइक स्टार्टिंग में आप कौन कौन सा वर्कआउट कर सकते हो घर रह के, और उसके साथ उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, कहाँ कहाँ गलती होती है, किस किस तरह के उसके सेट हैं, किस किस तरह के उसके एंगल होंगे, कितने रेपिटेशन करने हैं हमने, वो सारा मैं आपको ब्रीफ करूँगा। थोड़ा सा आपको बता दूँ लास्ट सेशन के बारे में, वो हमारा था चेस्ट वर्कआउट सेकेंड सेशन, तो आज हमारा शोल्डर वर्कआउट है जिसमें हम फ्रंट साइड और रियर को हिट करेंगे, साथ ट्रैप्स को हिट करेंगे, कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने वर्कआउट करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी फ्रेंड, हम वर्कआउट स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर प्रेस, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, एंगल क्या होना चाहिए, और मोस्टली जो लोग गलती क्या करते हैं। और उसके लिए आपको ज़ाहिर है डंबल चाहिए, इसको हम इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर प्रेस डंबल्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा इसका क्या बेसिकली पहले लोग गलती क्या करते हैं इसमें। ये देखें, सबसे पहले इसमें ये गलती करते हैं लगाते हैं कि हम लोग जो होते हैं शोल्डर डंबल्स लगा रहे हो तो हम अपने फेस से आगे को ले आते हैं, क्योंकि ये गलत एंगल है। एक तो हमें स्ट्रेट में रखना है, बैकअप स्ट्रेट को पीछे नहीं अपने होना, डंबल लिफ्ट करके बिल्कुल इक्वल आपके शोल्डर प्लेट पे आएगा, इसमें लिफ्ट अप डाउन चेस्ट अप बैक स्ट्रेट, ये चीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन। जी, मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया कि इसमें जो एंगल क्या ख़राब करते हैं हम ज़्यादातर, कि ज़्यादातर जो बिगिनर होते हैं वो डंबल्स को आगे ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि वो बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखते और जो डंबल्स लाने होते हैं उसकी भी मूवमेंट्स हिला देते हैं, कि कई दफ़ा लोग बहुत पीछे ले जाते हैं, जो हमारा लाइक रियर पे असर आता है उससे। और एक दफ़ा हमारी गलती करता है कि जो फ्रंट पे हिट कर रहा था और वो आपका एंगल सारा ख़राब होता है इसमें। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, जो अपने मैं पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो इसके ऑल्टरनेटिव आप वाटर बॉटल्स ऐड कर सकते हैं, या कोई भी वेट जो आपके पास अगर पड़ा हो। तो आज सेकंड स्टार्ट करते हैं। बैक स्ट्रेट चेस्ट अप एंड डाउन, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन। जी, ये अब हमारी होगी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस। अब हम करेंगे साइड रेज। साइड रेज होता है साइड अल्ट के लिए, ये हमारे शोल्डर को और ट्रैप्स को बेसिकली सेपरेट कर देता है। ये हमारे यहाँ से शोल्डर और ट्रैप को सेपरेट करता है, वो मैं आपको बताऊंगा उसका बेसिकली एंगल क्या होता है साइड रेज का। ठीक है, सामने से आगे इसमें आपने जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि लगातार थोड़ा सा जर्क लेते हैं और डंबल भी ऐसे आगे में लगे, ये देखते हैं बहुत साइड पे ले जाते हैं पीछे को बॉडी मूव कर। पहले गलती जो क्या करते हैं प्योरिटी के लगाते हुए बॉडी को मूव करते रहते हैं, फेस का सही नहीं होता, एल्बो बेंड हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा सी आप पीछे को जा रहे हैं ये, ठीक है। अब इसका सही एंगल बेसिकली क्या है, वो ये होगा कि आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, डंबल पीछे का यहाँ रखने लिफ्ट करके थोड़ा सा कर देंगे, ये इसमें मेन जो चीज है कर दे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें जो क्या हमारी गलती होती है ज्यादातर, कि हम लिफ्ट थोड़ा हैवी कर लेते हैं, थोड़ा जर्क देते रहते हैं, कमर हमारी मूव होती रहती है, आर्म्स हमारा सही नहीं आता, कई लोग बहुत स्ट्रेट उठा लेते हैं। इसमें जो गलत एंगल होता है कि आपके हाथ ऊपर को होते हैं, आपके एल्बो नीचे को होती है, गलत एंगल है।
क्योंकि अब करेक्ट एंगल है ये है कि आपका शोल्डर और आपकी ये एल्बो नीचे को रहेगी, जो आपका ये बाइसेप एरिया है और ये शोल्डर वाला एरिया है इसकी वजह से ये सही एंगल है, ये एंगल गलत है। मेजोरिटी लोग ये लिफ्ट कर देते हैं, हिप्स गलत है, तो हमने लिफ्ट करना थोड़ा सा ये कि इक्वल चीज रहेगी, ये इक्वल रहेगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। बैक स्टेट ये वन कैसे देख रहे हैं, ये चीज शोल्डर और आर्म्स एरिया बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ना कि ऊपर आर्म ऊपर को जाए। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डन जी, ये हमारा साइड रेस डंबल हो गया, ये बेसिकली हमारे साइड रेस को हिट करता है। अब हम जो करेंगे वो है फ्रंट रेस, जो हमारे फ्रंट रेस को हिट करेगी। ठीक है, उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें भी ये चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं उसमें लोग सपोर्ट ले लेते हैं, थोड़ी सी जर्क लेके बैक की सपोर्ट लेते हैं। आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके आर्म लिफ्ट होना चाहिए, हाथ बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, इसमें हाथ आपका थोड़ा सा लाइक आई तक आए आंखों तक, और ये लिफ्ट पर स्लो डाउन नीचे होता है वापिस, जब आप ये ना हो रहे और लिफ्ट करते हुए आप जर्क ना ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में दिखाता हूं। अब ये गलती जो क्या होती है वो क्या होती है वो देखिए, एक साइड से ये लोग थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं बैक की ये। ठीक है, अब मैं आपको इसका बताऊंगा सही एंगल। तब आप बैक स्ट्रेट चेस्ट अप, आर्म्स ये बिल्कुल आप लेग्स के आगे रखेंगे, डंबल्स को वन बाय वन, वन तब टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर से स्ट्रेट है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन डन। ठीक है, मैं अब आपको इसका दोबारा बता दूं कि इसमें हमें ये बेसिकली होता है हमारा फ्रंट रेस नंबर हमारे फ्रंट रन के लिए, इसमें गलती हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर जर्क लेते हैं, बैक की सपोर्ट लेते हैं, ये चीज़ हमने नहीं करनी। हमने अपना पोजा स्ट्रेट रखना है, डंबल्स यहाँ रखने हैं, ना कि हमने साइड पे रखने हैं अपनी लेग्स के आगे ये फ्रंट पे, उसके बाद वन बाय वन किए जाना आई के लेवल तक फिर डाउन फिर अप फिर डाउन। ठीक है, दोबारा रिपीट करके दिखाते हैं आपको। वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन डन जी, ये हमारा हो गया फ्रंट रिस्ट, और अब हमारी होनी है तकरीबन तीन एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज जो कि बेसिकली हमारी होती है रियर के, जो बैक होता है शोल्डर की बैक साइड पर होता है, उसमें जो बिगिनर लेवल में हम वर्कआउट रिकमेंड करते हैं वो आपको बताता हूँ। इधर आए सामने आके ये देखिए, इसमें क्या करना होता है, आपने थोड़ा सा अपर बॉडी आपने करनी होती है डाउन, बिल्कुल डाउन, ये पांव थोड़े आगे लाने होते हैं, ये और डाउन, हाथ नीचे होगा फेस सामने होगा, आपने इसको हैंड ये पोजिशन रख के ये लिफ्ट कर लिया स्ट्रेट अप, ये ना हाथ आपके पीछे जाए ना बहुत यहाँ आगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे ऊपर, जब आपका बॉडी डाउन रहेगी लिफ्ट ये। ठीक है, ये थोड़ा टफ एंगल होता है, इसलिए हम ये थोड़ा लाइट वेट से करेंगे, बिल्कुल अगर आपका एंगल ठीक नहीं है आप पहले फ्री हैंड कर सकते हैं, पहले एंगल को ठीक करके फिर आप वेट उसमें ऐड करें। मेजोरिटी होता है गलती कर देते हैं कि वेट हैवी करने की वजह से वो मैगर में घुबरा होता है, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डन। इसमें मैंने जो आपको भी बताया कि जो ज्यादातर गलती कहाँ होती है कि हम जब ऐसे डाउन हो जाते हैं
तो हमसे हमारे हैंड्स की कुछ का सही आइडिया, मतलब हम लोग कुछ लोग पीछे जाते हैं कुछ फेस के पास लाते हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने आपके आर्म्स की डायरेक्शन बिल्कुल इक्वल, आपके एल्बो स्ट्रेट है, ना कि पीछे जा रही हो ना कि फॉरवर्ड आ रही हो, और आपने चेस्ट करने से ना कैसे बैक को राउंड करना है, बैक स्ट्रेट हो गए डाउन हो गए, ये दोबारा से रिपीट करके बात10. ये अब हमारी होगी फोर्थ एक्सरसाइज जो कि रियर की थी। हमें पहले की शोल्डर प्रेस जो कि पूरे शोल्डर को हिट करती है, वार्म अप कर देती है, दूसरी हमने एक्सरसाइज की साइड रेस, तीसरी हमने की फ्रंट डर्ट के लिए, चौथी हमारी जो कोई रियर के लिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली ट्रैप्स के लिए, ठीक है, जो हमारा ये कॉलर वाला एरिया होता है इसके लिए, ताकि इनकी सेपरेशन भी हो जाए और इनका जो अगर फैट बर्न हो जाए और इनका मसल जो थोड़ा टोन अप हो जाए इसके लिए, उसके लिए हम करेंगे थोड़ा सा इसमें आप वेट थोड़ा हैवी भी ले सकते हैं वो एज कम्पेयर टू जो हम बाकी फेस की हैं, ठीक है, इसलिए हम ये 7.5 का नंबर लेट कर दें और आप देख के अपना वेट जो आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं, अपना थोड़ी हैवी बॉटल्स ऐड कर सकते हैं वेट करके, दोनों वेट करनी है। इसमें आपने जो करना है जो आपका भी स्ट्रेट पोर्शन होना चाहिए, पहले जो गलती क्या करते हैं हम कि इसको बेंड करके लिफ्ट कर लेते हैं, ये गलत जगह आपका करना है, इसको बेंड कर बेंड कर ये थोड़ा सा कर आ रहा है यहाँ तक फ्रंट से दिखाएं राइट जो गलत एंगल होता है क्या होता है ये कर आ रहा है दरमियान में, ये चीज नहीं आना चाहिए, हमें सारा लोड ट्रैप्स पे डालना है, उसमें होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट होती है, चेस्ट अप होती है, इसमें बैंड नहीं देंगे एल्बो में, स्ट्रेट अप ये स्ट्रेट डाउन ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, done, ठीक है। मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ इसको, जब हम जो बिगिनर लेवल में इसको एक्सरसाइज करते हैं उसमें जो ज़्यादातर गलती क्या होती है कि हम जब इसको लिफ्ट कर रहे होते हैं हम इसमें कर्व ले आते हैं, हम लोग आर्म्स और रिस्ट की स्ट्रेंथ से उसको लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है ट्रैप्स, जबकि हमने इसका सपोर्ट नहीं लेना फोर आर्म का, उसमें हमें हमारा आर्म स्ट्रेट रहेगा, बॉडी के इक्वल रहेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा, स्ट्रेट रहेगा, हेजेड और स्ट्रेट अप, स्लो डाउन, स्ट्रेट अप होल्ड स्क्वीज, एक सेकंड का होल्ड देके फिर डाउन, ताकि हमारा सारा लोड ट्रैप्स पे है। अभी दोबारा सेट करते हैं, आप फिर देखिएगा वन ये चीज, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डन, ठीक है। ये थे हमारा ट्रैप्स का वर्कआउट, जो है हमारा शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। हमने आज तकरीबन 4 से 5 एक्सरसाइज की हैं, उसमें हमने डबल प्रेस किया, साइड रेस डंबल की, फ्रंट डंबल की है, फ्रंट रेस रियर किया, और लास्ट हमने ट्रैप्स के एक्सरसाइज किए जो हमारी फिफ्थ वन थी। ये हमारे सारी एक्सरसाइज मिला के हमारे पूरे शोल्डर और ट्रैप्स को हिट करती है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं जो इसमें हमने जिस लिहाज से हमने वर्कआउट डिज़ाइन किया है, इसमें अपने वेट्स पे इतना फोकस नहीं देना, अपने एंगल्स पर फोकस देना, ताकि आपके एंगल्स प्रॉपर हो जाए, वेट हम स्लोली स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं। फर्दर अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे हमारा नेक्स्ट वर्कआउट, तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं वर्कआउट, जो कर रहे हैं वो इस एक्सरसाइज के सेशन को देख के देख सकते हैं कि उनका जो एंगल्स हैं वो ठीक हैं या उनके जो सेट हैं रेपिटेशन वगैरह।